ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। झारखंड में अवैध उत्खनन की जांच के लिए केंद्र सरकार सर्वे कराएगी। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री रेल अधिकारियों पर अवैध ढुलाई में शामिल होने का आरोप भी लगा चुके हैं। एक बार फिर ये मामला राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप का शिकार होता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट पहले, उसके बाद इस पर बहुत सारी जानकारी सहयोगी शर्मा के साथ। एक रिपोर्ट पहले। केंद्र सरकार झारखंड के तमाम खदानों का सर्वे कराएगी। ईडी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सरकार से आग्रह किया था कि अवैध उत्खनन से न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेलवे अधिकारियों पर अवैध ढुलाई में शामिल होने का आरोप लगाते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। जेएमएम का कहना है कि केंद्र सरकार जरूर जाँच कराए, मगर ये जाँच पिछली सरकार के समय से होनी चाहिए। पत्र लिख कर यह बतलाने का काम किया कि रेलवे के द्वारा, जो कि केंद्रीय उपक्रम है, उसके द्वारा अवैध खनन को प्रोत्साहित किया जाता है और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ढुलाई की बातें भी सामने आई हैं। अनियमितता है वहाँ, और आपको ज्ञात होगा कि शेड्यूल राय जी ने तो पूरा डॉक्यूमेंट दिया था पूर्ववर्ती सरकार का। 244 रैक पत्थल, अवैध खनन के पत्थल बिना चालान के पूर्ववर्ती सरकार में इस राज्य से बाहर भेज दिए गए। क्या रेलवे की ये ड्यूटी नहीं थी कि वो चालान देखता? क्या अवैध पत्थर ले जाने की छूट है रेलवे को? नियम कायदे कानून सभी के लिए बने हुए हैं, उसे फॉलो नहीं किया गया। और अवैध खनन को पिछले सरकार में तो खुल के झारखंड के खनिज संपदाओं की लूट हुई। और अभी जो जांच की बात आ रही है, देखिए अभी जांच तो हमारे मुख्यमंत्री ने खुद बोला कि रेलवे ऐसा कर रहा है। जहां तक अवैध खनन में जांच की बात है, आप जांच करा लीजिए, लेकिन जांच का दायरा क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, वो स्पष्ट होना चाहिए। ये 2 साल का जांच कराएंगे क्या? जिस समय पूरे झारखंड को लूटा गया पूर्ववर्ती सरकार में, जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, कई एक घोटाले हुए, जो 244 रैक पत्थल गया, कोयला में वैसे ही लूट था, लौह अयस्क में जो शाह ब्रदर्स का मामला था, सभी में तो लूट हुई है, उसकी जाँच कौन कराएगा? ये जाँच की समय सीमा पिछले 5 साल पहले, मैंने इस सरकार से 5 साल पहले का कार्यकाल होना चाहिए। पूरे टेन्योर का जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा की तरह विपक्षी बीजेपी ये कहती है कि मौजूदा सरकार में संथाल परगना में हजारों करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन हुआ। यहाँ से बांग्लादेश तक बिना चालान पत्थर और कोयले की ढुलाई हुई, और इन कारनामों में सीधे तौर पर मौजूदा सरकार के समर्थक शामिल है। जाँच होगी तो इसका खुलासा हो जाएगा। देखिये, झारखण्ड में 1000 करोड़ के अवैध उत्खनन हुआ सिर्फ साहिबगंज जिले में, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्हें इसकी खबर नहीं थी, और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इसके किंगपिन बताए जाते हैं। हालांकि इस बात को सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने उन्हें विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्षों के कार्यकाल के सिर्फ 2 वर्षों में झारखंड के अलग अलग जिलों से 3531 रैक बुक हुए हैं रेल के, वो भी अवैध खनन के। और मुख्यमंत्री जी ने रेलवे को इसकी जाँच की मांग तब की जबकि ईडी ने इसकी चार्जशीट की इसका जिक्र कर दिया था। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही केंद्र सरकार को पत्र लेकर राज्य के रेलवे अधिकारियों पर अवैध उत्खनन और उसकी ढुलाई में शामिल होने के आरोप लगाए। हटिया रेल डीआरएम ने इस सवाल पर कहा कि साहिबगंज क्षेत्र उनके जुरिडिक्शन में नहीं है। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। साहिबगंज मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये साहिबगंज मालदा डिवीजन में आता है, तो मैं इस बारे में कमेंट देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। अब जबकि खुद केंद्र सरकार ने झारखंड के खदानों से हो रही गतिविधियों की जांच कराने का आदेश दे दिया है, तो जांच अपने आप में सब चीजों का खुलासा कर दी। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि खनन माफियाओं ने पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा जैसे क्षेत्रों में पहाड़ और जमीन को तहस नहस कर दिया है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो जब अवैध खनन होता है तो उसकी ढुलाई के लिए रेलवे का इस्तेमाल होता है, रेलवे के वैगन भेजे जाते हैं, और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से झारखंड सरकार को घेरा गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बहुत ही मुखर होकर चिट्ठी लिख डाली, कहा कि जब रेलवे के जरिए उनका ढुलाई हो जाता है अवैध पत्थरों का, खनन का, तो उस वक्त रेलवे के अधिकारी कर क्या रहे होते हैं? क्या उन्हें वैध चालान नहीं चाहिए होता है? वो कुछ भी ढुलाई कर सकते हैं क्या? और इसी को लेकर चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप निर्देश दे रेलवे के अधिकारियों को कि वो सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसमें वो सहयोग करे। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब ईडी के समक्ष पेश हुए थे तब ईडी ने भी इस बात को माना था कि झारखंड में आज से नहीं, सालों से ये काम चल रहा है, और
कई रैक लगातार बुक हो जाते हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर जो जिम्स है यानी कि झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसको FIS से क्यों नहीं कनेक्ट किया जा रहा है। FIS यानी फ्रेट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रेलवे का है, कनेक्ट क्यों नहीं होता है, यही पर सबसे बड़ा लूपहोल था। हमारे सहयोगी शहरवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए शहरवाज, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है मुख्यमंत्री ने, चिट्ठी लिखी बाकायदा, और इस पर हम लोग भी लगातार बात करते थे जब हम लोग इस पर चर्चा करते थे, तो आखिर की रेलवे से ऐसे ढुलाई हो कैसे जाता वैध, जबकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, सरकारी एक उपक्रम है, बावजूद हो कैसे जाता था, वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा था ये। देखिए, अवैध उत्खनन और अवैध खनिजों की ढुलाई या फिर किसी खनिजों की जो जेन्युइन ढुलाई, तो उसमें वेट का हेरा फेरी, ये पहले ट्रकों से ये चीजें होती थी धनबाद से, और उसके बाद फिर उसमें रेलवे का भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहा। आपको पता होगा कि चक्रधरपुर का जो रेलवे मंडल है, वो चक्रधरपुर का जो रेल मंडल है वो सबसे ज्यादा रेल को रेवेन्यू देता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर ढुलाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप लगा मौजूदा सरकार पर, ये आरोप लगा कि रैक से रेल से पत्थर बांग्लादेश गया, ऐसा आपने भी सुना होगा। तो जाहिर है बांग्लादेश कैसे गया, बांग्लादेश को भी ट्रेन अगर कोई पत्थर, कोई खनिज, कोई पदार्थ, कोई कोयला लेकर के अगर कोई जाए तो उसमें न सिर्फ ये के चलान चाहिए बल्कि विदेशी वीजा भी चाहिए, सामान के उत्पाद जाने का परमिट भी चाहिए, दोनों सरकारों के दस्तावेज चाहिए। तो ये सब अगर सही है तो फिर ईडी ने केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग को एक पत्र लिखा और जिसमें कहा कि यहाँ का जो खनन है वो लिमिट से ज्यादा हो चुका है, और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पाकुड़ का, साहबगंज का, धनबाद का, आप देखें तो गड्ढों में तब्दील हो गया है। बिल्कुल, कई विदेशों में भी खनन होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी खनन होता है, लेकिन खनन के एक साल के बाद अगर कोई वहां जाके देखे तो स्पॉट से पता नहीं चलेगा, ग्रीनरी वहां पर उगाती है और फिर इधर खनन होता है, एक तरफ से भरा जाता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। बार बार कहा गया है कि झारखंड बिल्कुल खंडर बन गया है एक तरह से, जहां पर यूरेनियम निकल रहा है वहां पर लोगों की तबीयत खराब है, बीमार है, उनको कैंसर हो रहा है, लेकिन किसी को कोई इसकी फिक्र नहीं है। अभी ईडी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने ये बात मान ली है कि खनन क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा, लेकिन इससे तीन दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र सर्वे जो केंद्र सरकार की ओर से होगा, तो जाहिर सी बात है कि सर्वे जो होगा तो बहुत सारा इलाका जो जहां पर जो लॉ हस्क है, जो मेजर मिनरल्स है, वो तो केंद्र सरकार के अधीन ही आते, बहुत सारे PSUs वगैरह के अधीन आते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अधीन आते हैं, तो इसमें झारखंड सर्वे जो होगा वो तो देखिए बिल्कुल सही कहा है JMM के प्रवक्ता ने अभी बाइक में कि ये जो उत्खनन है या अवैध, कथित रूप से अवैध उत्खनन की जो बात है या मुद्दा है, ये किसी एक सरकार में तो हुआ नहीं है। खुद बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल यादव ने 354 रैक जो है वो ट्रेन से यहाँ से गए हैं झारखंड के, तो सिर्फ इतने ही की काउंटिंग नहीं है, हजारों रैक यहाँ से निकले होंगे पिछले 22 साल में झारखंड में क्या क्या निकल गया होगा। तो अगर इनका कहना ये कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो फिर शाह बर्दर का जो घोटाला है कथित रूप से, जो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, बिल्कुल वो भी उसको इंक्लूड करें, रघुवर दास जी के टेन्योर के दौरान कितना खनन हुआ है वो भी इंक्लूड करें। और आपको पता होगा कि जब लॉ एस्क जो है यहाँ से जापान ने मंगवा के समुद्र में डाल दिया है, सस्ता लॉ एस्क यहाँ से खरीद के, ये मधुकोड़ा के जमाने की बात है, वो उसको समुद्र में अपने डाल रखा है, जब उसका रेट जब चले। बिल्कुल शहरवाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप तकनीकी कुछ कारणों से उनसे संपर्क हमारा टूट गया, शहरवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो सरकार की मांग झारखंड सरकार की, ठीक है आप सर्वे कराइए, बहुत सही बात, अच्छी बात है, लेकिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।